क्लास ट्वेल्थ शारीरिक शिक्षा चैप्टर टू खेल और पोषण। आज हम पढ़ेंगे अल्पाहार के खतरे अर्थात डाइटिंग से हानि। इसके पहले कुछ सामान्य सूचना। इस समय महामारी का दौर चल रहा है, इससे हमें बचना है। घर से बाहर आवश्यकता पड़ने पर ही जाना है और मास्क का प्रयोग करना है। बार बार साबुन से हाथ धोना है और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक योग अभ्यास करना है और प्राणायाम का अभ्यास करना है। अल्पाहार के खतरे क्या हैं अर्थात हानियां क्या हैं। आजकल प्रत्येक व्यक्ति दुबला पतला बना रहना चाहता है अर्थात अपने आप को स्लिम दिखाना चाहता है। जो व्यक्ति अधिक भार अथवा मोटापे से ग्रस्त हैं वे अपना भार घटाना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। वे भार कम करने के विभिन्न तरीके अपनाते हैं। उनमें से अधिकतर लोग भार कम करने के लिए अल्पाहार को अपनाते हैं अर्थात डाइटिंग करते हैं। प्रारंभ में अल्पाहार के बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं, किंतु प्रारंभिक सफलता के बाद यह भार में और भी वृद्धि करता है। यहाँ तक कि शोधों से यह भी पता चला है कि 90% अल्पाहार करने वाले व्यक्ति उनके द्वारा कम किए गए भार को वापस पा लेते हैं, जबकि कई मामलों में उससे कहीं अधिक भार दोबारा बढ़ जाता है। वास्तव में हम जानते हैं कि भार को कम करना इतना आसान नहीं है जितना कि यह प्रतीत होता है। कम खाओ तथा व्यायाम अधिक करो, हम इस तथ्य को जानते हैं, किंतु इसका अनुपालन करना कठिन है। वस्तुतः इसकी कुछ हानियाँ अर्थात खतरे हैं जो हमें भार कम करने से दूर रखते हैं। अल्पाहार के प्रमुख खतरे हानियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें कैलोरियों की अत्यधिक कमी। अल्पाहार के चलते शरीर में जाने वाली कैलोरियों में अत्यधिक कमी आ जाती है। शोध अध्ययन दर्शाते हैं कि 1800 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से किसी व्यक्ति की दैनिक पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि आप कैलोरी इससे भी कम कर दें तो इससे आपका भार अत्यधिक कम हो जाएगा। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यदि अवश्य ही आपके चयापचय को कम कर देगा, परिणाम स्वरूप आपका भार समुचित रूप से काम नहीं करेगा। अर्थात अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। आपका शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण कई बीमारियां स्वतः ही जन्म ले लेंगी। सेकंड है कुछ पोषक तत्वों पर प्रतिबंध। सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा इत्यादि पोषक तत्व अल्पाहार में प्रतिबंधित होते हैं। वस्तुतः आपके शरीर के लिए सभी पोषक तत्व अनिवार्य हैं। यदि आप सभी पोषक तत्वों की निर्धारित मात्रा ग्रहण नहीं करते हैं तो आपकी समुचित कार्यशीलता क्षीण हो जाती है। अर्थात आपके पोषक तत्वों की कमी के कारण आपका कार्य भी प्रभावित होगा, क्योंकि कार्य करने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और जब आप अल्पाहार करेंगे तो कई पोषक तत्वों की उसमें कमी हो सकती है। भोजन को छोड़ना। यह एक तथ्य है कि यदि आपकी चयापचय दर अच्छी है तो आप भार बनाए रख सकते हैं अथवा इसे कम भी कर सकते हैं। यदि यह काफ़ी कम है तो आपका भार आसानी से बढ़ जाएगा। अतः यदि आप किसी समय पर भोजन नहीं खाते तो यह ऊर्जा के संरक्षण हेतु आपके चयापचय को कम कर देगा। इसलिए किसी समय पर भोजन को छोड़ देना आपके भार कम करने की योजना के विरुद्ध कार्य करेगा। रिसर्च अध्ययन यह बताते हैं अर्थात शोध अध्ययन यह बताते हैं कि यदि आप एक वक्त का भोजन नहीं करते हैं अर्थात छोड़ देते हैं तो आप दूसरे वक्त अपेक्षाकृत अधिक कैलोरी ग्रहण करते हैं। एक टाइम भोजन छोड़ते हैं तो दूसरे टाइम आप ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो कैलोरी भी आप अधिक प्राप्त करते हैं। पेय पदार्थों के द्वारा कैलोरी ग्रहण करना। यदि आप अपना भार कम करना चाहते हैं तो संभवतः आप इस बात पर अधिक बल देंगे या ध्यान देंगे कि आप अधिक ना खाएं, न कि इस बात पर आप कि क्या पी रहे हैं। वस्तुतः पेय पदार्थ क्रीम वाली मीठी कॉफ़ी, मीठे जूस तथा सोडा
वास्तव में भार बढ़ाने में योगदान देते हैं, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा होती है, जिसके कारण आप जो पेय पदार्थ ले रहे हैं तो उससे आपका भार, आप तो कम करने के लिए ले रहे हैं लेकिन आपका भार बना रहेगा, उसमें कमी नहीं होगी। कैलोरियों को कम आकलन, वास्तव में जो व्यक्ति अल्पाहार का सहारा लेते हैं वे प्रायः उनके द्वारा ली जाने वाली कैलोरी का कम आकलन करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने द्वारा खाए या लिए जा रहे आहार की कैलोरियों की मात्रा अवश्य अध्ययन करें। लेबल युक्त भोजन ग्रहण करना, अल्पाहार पर जाने वाले अधिकतर व्यक्ति सामान्यतः ऐसा खाना खाते हैं जिन पर इस प्रकार के लेबल लगे होते हैं, जैसे पतला, शर्करा रहित, न्यून कैलोरी अथवा वसा रहित। इस प्रकार का भोजन सदैव ही भार कम करने में सहायक नहीं होते। उसमें तो लिखा रहता है, वो आपको अट्रैक्शन के लिए लिखा होता है, लेकिन वो इसमें सहायक नहीं होते। इसके अतिरिक्त यह आपके शरीर की सभी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करते। वास्तव में चॉकलेट वाले 3 बिस्कुटों में 140 कैलोरी होती है, जबकि 3 वसा रहित बिस्कुटों में 120 कैलोरी होती है। अतः यह अंतर नगण्य है। ऐसी स्थिति में आप यह सोचकर, ऐसे उत्पादों को यह समझकर अधिक मात्रा में खाते हैं कि इनमें कैलोरी कम है, परिणाम स्वरूप आप आवश्यकता से अधिक कैलोरी ग्रहण कर लेते हैं। व्यायाम न करना, यदि आप अल्पाहार पर जाते हैं तो व्यायाम नहीं करते हैं तो यह समुचित रूप से कार्य नहीं करेगा। भार को कम करने की अपेक्षा आपका भार बढ़ने की आशंकाएँ अधिक है। वस्तुतः व्यायाम आपके चयापचय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह अतिरिक्त कैलोरियों को जलाने में भी सहायता करता है। व्यायाम चयापचय दर में वृद्धि करता है, जो अंततः शरीर के भार को कम करता है। इसलिए अल्पाहार तभी समुचित रूप से कार्य करेगा जब आप इसके साथ साथ व्यायाम भी करें। खाद्य असहिष्णुता या असहनशीलता, खाद्य एलर्जी की अपेक्षा खाद्य असहिष्णुता अधिक देखने में आता है। खाद्य असहिष्णुता या सहनशीलता एक ऐसा शब्द है जिसे किसी विशेष प्रकार के खाने से जुड़े शारीरिक प्रतिक्रियाओं या अनुक्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण शब्दों में खाद्य असहिष्णुता का अर्थ किसी भोजन विशेष के कुछ विशिष्ट तत्वों में, जिन्हें हमारे पाचन तंत्र द्वारा उचित रूप से संसाधित तथा अवशोषित नहीं किया जा सकता। कुछ व्यक्ति भोजन की समुचित मात्रा को सहन कर सकते हैं किंतु वे अधिक खाना खा लेते हैं अथवा अधिक बार भोजन करते हैं तो उनमें खाद्य असहिष्णुता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अगर वे आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं तो उनमें खाद्य असहिष्णुता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर असीमित मात्रा को सहन नहीं कर सकता। खाद्य असहिष्णुता धीरे धीरे उत्पन्न होती है, बारंबार नहीं। यह जीवन के लिए घातक नहीं है। खाद्य असहिष्णुता के कारण, खाद्य असहिष्णुता ऐसे एंजाइम के क्रियाकलापों की कमी अथवा पूर्ण अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, जो भोजन के तत्वों को तोड़ने तथा अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसी कमियां प्रायः जन्मजात होती हैं। कई बार खाद्य असहिष्णुता भोजन से संबंधित अथवा बीमारी के कारण भी हो सकती है। इसके लक्षण क्या है? खाद्य असहिष्णुता के कारण मतली अर्थात उल्टी होने का मन होता है, पेट दर्द, दस्त, उदर वायु, गैस, ऐंठन, सीने में जलन, सिर दर्द अथवा घबराहट आदि हो सकती है। खाद्य असहिष्णुता प्रबंधन, इसका उपचार हम कैसे करें, बचाव कैसे करें? व्यक्ति आहार में ऐसे छोटे मोटे बदलाव के प्रयास कर सकता है या छोड़ सकता है जिनसे उसे स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता हो। कई बार इसका प्रबंधन बिना किसी विशेषज्ञ की सहायता से किया जा सकता है। यदि आप यह जानने में असमर्थ हैं कि कौन सा आहार आपके लिए समस्या उत्पन्न करता है तो आपको विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। आपके चिकित्सक द्वारा इसकी जांच तथा प्रबंधन में मार्गदर्शन दिया जा सकता है। इसके प्रबंधन में फ्रक्टोज, लैक्टोज व एंटीहिस्टामिन और सहिष्णुता उपचार दिया जा सकता है। खाद्य या भोजन मिथक, भोजन के विषय में बहुत से मिथक न केवल भारत में बल्कि
संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए तथा कितनी बार खाना चाहिए, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को चकरा देते हैं। हम ऐसे मिथकों में विश्वास करते हैं चूँकि ये सत्य प्रतीत होते हैं। आज हमारे पास वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध है तथा उस ज्ञान के आधार पर हमें खाद्य या भोजन मिथकों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे सामान्य खाद्य या भोजन मिथक जो आज हमारे आधुनिक समाज में प्रचलित है उनका वर्णन निम्नलिखित है। आलू आपके मोटापे में वृद्धि करते हैं। पहले लोग यह सोचते थे कि अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन जैसे चावल तथा आलू इत्यादि शरीर में भार में वृद्धि करते हैं, इसलिए भार को कम करने के लिए वे आहार में कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों को दूर कर देते थे। हम यह जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, अतः इसकी कमी से हमारे शरीर को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वसा रहित पदार्थ आपका भार करने में सहायता करेंगे। यदि आप वसा रहित लेबल लगे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो संभवतः आप अपना वेट बढ़ा रहे हैं। ऐसे भोजन में अपेक्षाकृत अधिक कैलोरी होती है। इन खाद्य भोज पदार्थों में सामान्यतः नियमित भोजन के बराबर ही कैलोरी होती है, अतः इससे भी आपका भार बढ़ सकता है। अंडे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि करते हैं, अतः इनसे परहेज करें। ये सब भ्रांतियाँ हैं हमारे यहाँ। निसंदेह अंडे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। एक अंडा आपको प्रोटीन, विटामिन ए, बी, डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे विभिन्न पोषक तत्व प्रदान करता है। यह हमारे शरीर की कोलेस्ट्रॉल की दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही है, इसलिए यदि आप प्रतिदिन एक अंडा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल स्तर में कोई समस्या नहीं आएगी। खाना खाते समय पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। इस भ्रांति के पीछे छिपे तथ्य की बात यह मान्यता है कि खाना खाते समय पानी पीने से भोजन को पचाने वाली विभिन्न एंजाइम तथा पाचक रस पतले हो जाएंगे। इससे आपकी पाचन क्रिया धीमी हो जाएगी, जिससे आपकी शरीर में अतिरिक्त वसा की वृद्धि हो सकती है। इसके विपरीत यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि खाना खाते समय पानी पीने से आपके पाचन में सुधार आता है। मछली खाने के तुरंत बाद दूध न पिएं। ऐसी समाज में भी मान्यता है, बहुत से लोग बच्चों को कह देते हैं कि अभी मछली खाया हो दूध मत पियो, तो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि आपको मछली खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए। उनका मानना है कि इससे आप बीमार पड़ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इससे आपकी त्वचा पर धब्बे अर्थात स्पॉट हो सकते हैं, अर्थात एक तरह की एलर्जी हो सकती है। वस्तुतः मछली खाने के बाद दूध पीने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। वास्तविकता यह है कि आप इन दोनों का सेवन एक साथ भी कर सकते हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है। यदि आप अपना भार कम करना चाहते हैं तो भूखे रहो। जब आप अपना भार कम करने की सोच रहे हो तो अच्छा भोजन करना अधिक महत्वपूर्ण है। अपने आहार में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो आपकी भूख को दबाकर आपके चयापचय में वृद्धि करें, ताकि आप बहुत अधिक खाना न खाएं। अतः यदि आप अपना भार कम करना चाहते हैं तो स्वयं को भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। व्यायाम आपको और अधिक खाने को विवश करता है। ऐसी सोच है कि ज़्यादा व्यायाम करोगे तो भूख ज़्यादा लगेगी और आप ज़्यादा खाओगे। व्यायाम के कारण कैलोरी खर्च होती है, जिससे आपकी भूख बढ़ सकती है। इस क्षेत्र में किए गए शोध अध्ययनों से यह पता चला है कि जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं वे व्यायाम न करने वालों से अधिक खाना नहीं खाते, इसलिए इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है। खेल पोषण प्रतियोगिता से पूर्व, प्रतियोगिता के दौरान तथा बाद में तरल पदार्थ तथा भोजन का ग्रहण करना। खेल पोषण पोषण वह आहार अध्ययन व अभ्यास है जिसका संबंध खेल कूद के क्षेत्र में खेल प्रदर्शन से होता है। इसका खिलाड़ी के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले तरल पदार्थ तथा भोजन की मात्रा प्रकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। वास्तव में इसका संबंध खिलाड़ी द्वारा लिए जाने वाले पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, खनिज लवणों तथा जल से होता है। खिलाड़ी
कौन कौन सी चीज़ें अपने भोजन में शामिल कर रहा है ये इस बात पर निर्भर करता है। प्रतियोगिता या प्रशिक्षण से पूर्व के दौरान तथा बाद में पोषण का ग्रहण करना। अधिकतर खिलाड़ियों का संबंध इस बात से होता है कि प्रतियोगिता या प्रशिक्षण से पूर्व के दौरान व बाद में क्या खाया जाए, क्योंकि खेल कूद में प्रदर्शन को बढ़ाने में पोषण का ग्रहण करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इष्टतम या उच्चतम स्वास्थ्य व खेल प्रदर्शन प्रतिदिन उचित आहार लेने से प्राप्त होता है। ठीक प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व के दौरान या बाद में लेने से उच्चतम खेल प्रदर्शन नहीं होता। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भोजन को लेना भी अति आवश्यक है ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और प्रदर्शन में सुधार हो। ऐसे पोषक तत्वों को ग्रहण करने से कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रतियोगिता या प्रशिक्षण से पूर्व के दौरान बाद में पोषण तरल व भोजन में ग्रहण करने की व्याख्या निम्नलिखित है। प्रतियोगिता से पूर्व पोषण कैसा होना चाहिए? खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए एक खिलाड़ी को प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के पूर्व जटिल कार्बोहाइड्रेट वाला आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उसे जटिल आहार लेना है जो प्रायः ग्लाइकोजन के भंडार को बढ़ाने में सहायता करता है। मिलर के अनुसार प्रतिदिन 500 से 600 ग्राम जटिल कार्बोहाइड्रेट्स मांसपेशियों को 20% से अधिक ग्लाइकोजन के भंडार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। प्रतियोगिता के प्रारंभ में कम से कम 3 या 4 दिन पहले भोजन में मांसपेशियों के लिए ईंधन प्रदान किया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि केवल प्रतियोगिता वाले दिन ही अधिक ऊर्जा वाला भोजन नहीं लेना चाहिए, अपितु कुछ दिन पहले ही लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। पोषण का ग्रहण करना जो भी क्रिया की जानी हो उसकी तीव्रता तथा उसके प्रकार पर भी निर्भर करता है। ग्लूकोज को विशेष रूप से उच्चतम तीव्रता वाली क्रिया के लिए प्रायः ऊर्जा के सबसे अच्छे स्रोतों के रूप में वरीयता जीत जाती है, इसलिए प्रतियोगिता से पहले आहार या भोजन कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता वाला ही भोजन लेना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। उसमें वसा, प्रोटीन तथा फाइबर कम होने चाहिए। इस प्रकार के आहार में ब्रेड, अनाज, आलू, चावल, फल तथा सब्जियां शामिल की जा सकती हैं ताकि तुरंत ऊर्जा मिल सके। प्रतियोगिता से पूर्व भोजन में अधिक कार्बोहाइड्रेट्स जरूर लेना चाहिए। प्रतियोगिता से लगभग 2 घंटे पहले अधिक कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा, पेय पदार्थ काफ़ी अच्छा सिद्ध हो सकता है। प्रतियोगिता के दौरान तरल पदार्थ लेना पानी की कमी से बचने में सहायता करता है। वास्तव में पानी की थोड़ी सी भी कमी के कारण आपके खेल पर असर पड़ सकता है, इसलिए प्रतियोगिता से ठीक पहले एक खिलाड़ी को भूख महसूस नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसमें किसी प्रकार की पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। प्रतियोगिता के दौरान पोषण। प्रतियोगिता के दौरान पानी की कमी से दूर रहना चाहिए। शर्करा के स्तर को बनाए रखना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है ताकि खिलाड़ी थकावट को महसूस न करे। इसलिए खिलाड़ी को प्रतियोगिता के दौरान तरल या पेय पदार्थ प्रायः लेते रहना चाहिए, ग्लूकोज और जूस का प्रयोग करते रहना चाहिए। वास्तव में प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी को खेल प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए जल योजित रहना चाहिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी अवधि तरल पेय को ग्रहण करने की मात्रा खेल प्रतियोगिता की तीव्रता तथा वहां की जलवायु पर निर्भर करती है। यदि खेल प्रतियोगिता की अवधि 60 मिनट से अधिक है तो खिलाड़ी को प्रतियोगिता के दौरान नियमित अंतराल पर कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी थोड़ी मात्रा लेती रहनी चाहिए। पानी 10 से 20 मिनट के बाद आमतौर पर ले लेना चाहिए। प्रतियोगिता के दौरान सभी इवेंट्स में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। प्रतियोगिता के बाद में पोषण। प्रतियोगिता के बाद में पुनः उचित शक्ति प्राप्त के लिए पोषण अति आवश्यक है। ऐसा पोषण बहुत जरूरी होता है
क्योंकि अगले दिन की प्रतियोगिता के लिए यह खिलाड़ी को पुनः शक्ति प्राप्ति तथा ऊर्जा के स्तर को निर्धारण करता है। सर्वप्रथम शरीर में किसी भी तरल या पेय पदार्थ की कमी का प्रतिस्थापन को वरीयता दी जानी चाहिए। यह कमी आसानी पूर्वक पानी को प्रतिस्थापन तरल या पेय को पीने के द्वारा पूरी की जा सकती है। प्रतियोगिता के बाद 15 मिनट के अंदर पर पानी ले लेना चाहिए।